जानवर के नाम पर हम केवल कुछ गिने चुने जानवरों को ही जानते हैं, लेकिन ये दुनिया हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ी है और यहाँ कई ऐसी चीजें भी हैं जिनसे हम अनजान हैं। जैसे बात अगर जानवरों की ही करें तो इनमें भी कई ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में हम ना मात्र का जानते हैं। इवन कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें आप देखकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसे जानवर भी होते हैं क्या। अजीबोगरीब तरह के दिखने वाले जानवर आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, स्ट्रेंज एनिमल्स इन द वर्ल्ड। लैम्प्रे। इस लिस्ट में कई अजीबोगरीब जानवरों के बारे में आप जानेंगे और पहचानेंगे, लेकिन लैम्प्रे जैसी क्रिएचर वाकई काफी अलग और अनोखी है। इसे देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि एक मछली है। लैम्प्रे एक भयानक और बिना जबड़े वाली वर्टिब्रेट्स में से एक है जो पेट्रोमाइजोनिडे की फैमिली में काउंट होती है। अफ्रीका को छोड़कर आप इन मछलियों को दुनिया के किसी भी कोने में देख सकते हैं। इन्हें अधिकतर कोस्टल और फ्रेश वाटर के एरियाज में पाया जाता है। ईल जैसी दिखने वाली स्केललेस एनिमल्स में शामिल लैम्प्रे करीब 6 से 40 इंच तक देखने को मिलती है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर चाहे जितना अलग हो, लेकिन इनके पास वेल डेवलप्ड आईज, 1 or 2 डॉर्सल फिन्स, एक टॉल फिन, एक सिंगल नॉस्ट्रिल जो इनके सिर पर होती है, और शरीर के दोनों साइड 7-7 गिल ओपनिंग्स होती है। बाकी कुछ हैग फिश की तरह इनके पास भी बोन्स, जॉस और पैर फिन्स की कमी होती है। पिंक फेरी आर्माडिलो। किसी छोटे से खरगोश जैसी दिखने वाली पिंक फेरी आर्माडिलो काफी अजीब है। इसका रंग पिंक कलर का होता है, जिस कारण इसके नाम में भी पिंक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। छोटी सी इस क्रिएचर को डेजर्ट अडेप्टेड एनिमल्स में से एक माना जाता है, क्योंकि ये अधिकतर सैंडी प्लेन्स, ड्यून्स और स्क्रबी ग्रासलैंड्स में पाई जाती है। इनके पास छोटी छोटी आंखें, सिल्की येलोइश व्हाइट फर और एक फ्लेक्सिबल, तो इन्हें अक्सर इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, स्नेल्स और कई अलग अलग प्लांट्स खाते हुए देखा गया है। पिंक फेरी आर्माडिलो एक छोटी जानवर है, जिस कारण इसकी कुल हाइट केवल 6 इंच तक होती है। वो बात अलग है कि एंडेंजर्ड जायंट आर्माडिलो की हाइट करीब 5 फीट तक पहुंचती है और इनका वेट भी 30 किलो तक मापा जाता है। नेकेड मोल रैट। चूहे तो आपने अक्सर अपने घर में बेखौफ घूमते देखे ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने नेकेड मोल रैट को देखा है? जी हाँ, इसके नाम में नेकेड शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि इनकी बॉडी पर कोई भी बाल नहीं होता और ना ही ये ब्राउन कलर के देखे जाते हैं जैसे कि बाकी के चूहे आपने देखे होंगे। इनकी स्किन भी रिंकल्ड पिंकिश होती है, जिस वजह से कई लोग तो इन्हें छूने से भी डरते हैं। इनके पास किसी भी रैट से डिफरेंट और क्लोज दिखने की कई कैटेगरीज है, और शायद इस कारण भी इन्हें रोडेंट फैमिली बैथियर गिदे का एक जरूरी मेंबर माना जाता है। इनके ब्रॉड हेड में स्ट्रॉन्ग मस्कुलर जॉज होते हैं जो इनके 4 इंसाइजर टीथ को डिगिंग के वक्त सपोर्ट करते हैं। बात अगर इनकी लाइफ की करें तो ये काफी लंबे वक्त तक जीते हैं। इन रैट्स को अक्सर ईस्ट अफ्रीका के ग्रासी और सेमी एरिड रीजन्स में पाया जाता है, जिनमें इथियोपिया, केन्या, सोमालिया और जिबूती जैसे देश खासकर शामिल है। वेनेजुएलियन पूडल। इस दुनिया में वेनेजुएलियन पूडल जैसी स्पीशीज भी मौजूद है जिन्हें देखकर इंसान समझ ही ना पाए कि इसका सिर कहाँ है और पैर कहाँ है। इस स्पीशीज को लेकर एंटोमोलॉजिस्ट भी इतना कंफ्यूज रहते हैं कि आज भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री के रूप में देखे जाते हैं। काफी यूनिक और मिस्टीरियस लुक वाले वेनेजुएलियन पूडल को पहली बार 2009 में देखा गया था। इसके अजीब से अपीयरेंस के कारण कई लोग इन्हें मौत और पूडल से कंपेयर भी करते हैं। जब पहली बार इसकी इमेज पब्लिक में आई तो लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए और कई लोगों ने तो इसे बॉम्बिक्स मोरी समझ लिया, जो कि चाइना की एक स्पीशीज है। डॉक्टर एंकर नाम के जिस शख्स ने इस पूडल की इमेज निकाली थी, उनका मानना है कि ये करीब 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ में समाया हुआ है, जो दिखने में काफी इंटरेस्टिंग है। ग्लॉकस एटलांटिकस। कई स्पीशीज इतनी स्ट्रेंज होती है कि उन पर एक बार नजर पड़ जाए तो फिर हटने का नाम नहीं लेती। जैसे ग्लॉकस एटलांटिकस की ही बात कर लीजिए, जिसे बेशक आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस अजीब प्राणी को कई नामों से बुलाया जाता है, जिसमें ब्लू सी ड्रैगन, सी स्वालो, ब्लू एंजल, ब्लू ग्लॉकस, ड्रैगन स्लग, ब्लू ड्रैगन, ब्लू सी स्लग और ब्लू ओशन स्लग नाम भी शामिल है। ये काफी हल्के होते हैं और इन्हें पानी में ही देखा जाता है। इनका कलर ब्लू और ब्लैक रंग में रंगा है। ये पानी के ऊपर बने रहने के लिए पानी के प्रेशर का उपयोग करके उल्टा तैरते हैं, और यहाँ ये ऐसा करने के लिए विंड्स और ओशन करंट्स का इस्तेमाल करते हैं। पानी में स्पीशीज का ब्लू साइड पानी की सतह की ओर नीले रंग से मिला होता है, और सिल्वर और ग्रे साइड पानी
के नीचे की ओर रहता है। छोटा सा दिखने वाला ये क्रिएचर पानी में रहने वाले बाकी के पेलाजिक क्रिएचर्स को खाना पसंद करता है, जिसमें वेनमस साइफोनोफोर्स भी मौजूद है। गॉब्लिन शार्क। मित्सू कुरिनिडी फैमिली से बिलोंग करने वाली गॉब्लिन शार्क को देखकर भी इंसान को डर लग जाए। ये दिखने में जितनी घिनौनी है, असल में उससे भी ज्यादा खतरनाक है। गॉब्लिन शार्क डीप सी शार्क की एक रेयर स्पीशीज है, जिसे कई बार लिविंग फॉसिल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बॉडी दिखने में काफी अजीब और पिंक कलर की होती है, साथ ही इनके पास तेज और नुकीले दांत भी है जो दुश्मन का मिनटों में खात्मा कर दे। इनके पास लंबे और प्रोट्रूडिंग फोरहेड स्पाइक, प्रोट्रूडिंग टीथ और एक एक्सटेंडेड टेल है जो थ्रेशर शार्क्स की तरह दिखती है। वैसे शार्क्स की फैमिली की होने के कारण इनकी लेंथ भी ठीक ठाक होती है। इन्हें अक्सर 11 से लेकर 20 फीट तक देखा गया है। मैक्रोपिना। मैक्रोपिना एक ऐसी फिश है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस फिश की आगे की बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा नजर आता है। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है, आप बैठे बैठे इस फिश की ट्रांसपेरेंट बॉडी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अपनी बॉडी के लिए फेमस मैक्रोपिना एक स्मॉल डीप सी फिश है, जिसके डोम शेप ट्रांसपेरेंट हेड में फ्लूइड के अलावा ग्लोइंग ग्रीन आईज भी मौजूद होती हैं। यूनिक और काफी कम पाई जाने वाली ये फिश बाजा कैलिफोर्निया में देखने को मिल सकती है, लेकिन वहाँ भी इनकी काफी कमी है। इन फिश को कम देखे जाने का कारण इनका डीप सी में रहना है। पानी के अंदर ये केवल अपने शिकार की खोज में इधर से उधर जाना पसंद करती है। गहरे पानी को अपना घर बनाने के कारण इनके बारे में ज्यादा पता भी नहीं लगाया जा सकता, जिस वजह से इतने अमेजिंग अपीयरेंस होने के बावजूद भी बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। पर्पल फ्रॉग। तालाब में या अक्सर गांव के घरों में आसपास पाए जाने वाले मेंढक तो सभी ने देखे होंगे। अक्सर बच्चे इनके साथ खेलने में भी मग्न हो जाते हैं, और इनकी आवाज के तो क्या ही कहने। अक्सर जो फ्रॉग आप लोग देखते हैं वो हरे रंग के होते हैं, लेकिन अब आप मिलिए पर्पल फ्रॉग से, जिससे रियलिटी में तो शायद ही आप कभी मिलना चाहे, क्योंकि इनकी बॉडी ब्लोटेड होती है, जिस पर शॉर्ट स्टाउट लिम्ब्स मौजूद होते हैं, और इनका कलर भी डार्क पर्पल और ग्रेश देखा जाता है। 7 सेंटीमीटर के इस फ्रॉग का सिर तो काफी छोटा होता है, लेकिन कंपैरेटिवली बॉडी बड़ी होती है। शॉर्ट एंड मस्कुलर फोर लिम्ब्स के साथ इसके हार्ड पाम्स इसे ग्राउंड में गड्ढा खोदने में मदद करते हैं, और बाकी के दूसरे फ्रॉग्स की तरह इनके पैर बड़े होने की जगह काफी छोटे होते हैं, जिस कारण ये बड़ी और ऊंची जंप नहीं कर पाते हैं। वैसे पर्पल फ्रॉग के बारे में खास बात यह है कि इसे 2003 में पहली बार केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में देखा गया था। सेटेनिक लीफ टेल्ड केको। अगली बार जब आप पेड़ के पास खड़े होकर उसकी पत्तियों को तोड़े तो याद रखें वो सेटेनिक लीफ टेल्ड गेको भी हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, सेटेनिक लीफ टेल्ड गेको एक पत्ती की तरह दिखती है, जिस कारण इसके नाम में भी लीफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके पास एक हॉर्न्ड हेड, रेड आईज और एक ऐसी टेल मौजूद होती है जो किसी सूखी पत्ती की तरह दिखती है, और जिस तरह पेड़ की पत्तियों के कई रंग होते हैं, वैसे ही इसके भी रेड, ब्राउन, टैन और पर्पल रंग देखने को मिलते हैं। इतनी स्ट्रेंज क्रिएचर मेनली मैडागास्कर के फॉरेस्ट एरिया में ही पाई जाती है। ये हर तरह के एनवायरनमेंट में भी नहीं जी सकती, और ये अधिकतर हेल्दी फॉरेस्ट पर सरवाइव करती है। अब तक तो वैसे ही ये स्पीशीज काफी कम है। ऊपर से डिस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन और पेट ट्रेड के कारण इनके सर्वाइवल को और भी खतरा देखने को मिलता है। एट्रेटोचुआना आइसल्टी। हमें नहीं पता इस लिस्ट में कौन ज्यादा स्ट्रेंज एनिमल है, क्योंकि हर दूसरा जानवर ही आपको चौंका देगा। जैसे एट्रेटोचुआना आइसल्टी की ही बात कर लीजिए, जो देखने में जितना अजीब है उससे भी कई अजीब इसकी हरकतें हैं। इस स्पीशीज को लोग इसके बॉडी स्ट्रक्चर के कारण एक स्नेक के नाम से बुलाते हैं, लेकिन असल में ये कोई सांप नहीं बल्कि केसीलियन फैमिली से बिलोंग करने वाली एक स्पीशीज है। इसकी बॉडी तो स्नेक की तरह है, लेकिन इसके शरीर पर अर्थवर्म्स की तरह रिंग्स भी मौजूद है। वैसे अधिकतर केसीलियंस के पास एक या एक से ज्यादा लंग्स देखे जाते हैं, पर एट्रेटोचुआना आइसल्टी के पास एक भी लंग मौजूद नहीं होता। इनका साइज भी 4.3 से लेकर 63 इंचेस तक देखा जाता है, जिसमें देश और जगह के अनुसार ये अपने साइज को पर्टिकुलर साइज में ढाल लेते हैं। जैसे वियना में ये 28.5 इंचेस तक, तो वही ब्राजील में इनका साइज 31.7 इंचेस तक देखा जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगी। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए।